Good afternoon, friends. This is Rahul from Hyderabad. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे इस चैनल ग्रुप में, ओके, तो इसमें ऑलमोस्ट 3480 मेंबर्स ज्वाइन हैं और ये मेरा M2M है। जो तारीख है आप यहाँ पे देखिए, 15:33, यानी कि 3:30 बजे हमारा मार्केट क्लोज होता है। तो करीब करीब नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स आज हम लोगों ने ट्रेड किया है मोर देन 55 स्क्रिप्ट्स के आसपास, और ये मेरा M2M आज का लॉस। और एज अ आप देखिए यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स, यहाँ पे मेरे N नंबर ऑफ ट्रेड्स लगे हैं, ठीक है, और ये मेरी कुछ क्वांटिटीज हैं। जो कि बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर आप कैश में करते हो, फ्यूचर में करते हो, किस में करते हो, किस तरह से काम होता है। सर अगेन आप खुद देखिए मेरा नेट क्वांटिटी कितने पे काम कर रहा हूँ मैं, ये देखिए सर, ये पूरी विंडो आपके सामने है। मैकडॉनल्ड्स में 43 क्वांटिटी मैंने सेल करी थी ओनली और बाई किया था। टॉरेंट पावर 623 क्वांटिटी, 300, 58, 62, 28, TCS में ओनली 28, ओके, और 39, 37 माइंट्री। तो ये गेम है सर, मैं कैश में काम करता हूँ। NSE कैश में मेरे सारे स्क्रिप्ट्स में ट्रेड होते हैं, प्योर NSE कैश में मैं काम करता हूँ। और अगेन बार बार मैं बोलूँगा कि मेरा पोजिशनिंग और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट ये पूरा सेट है। अगर रिस्क मैं आपको बोलता हूँ 500 रुपीज़ है, तो पर स्क्रिप्ट नॉट मोर देन 500 रुपीज़, ठीक है। थोड़ा सा स्प्रेड रहता है तो 500 का 600 700 हो सकता है, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ स्प्रेड के वजह से। लेकिन अगर बंदा 500 से 700 रिस्क ले रहा है तो उसके बीच में ही रिस्क लेगा, पर स्टॉप लॉस भी 700 से ज्यादा नहीं आएगा। अगर वो 1000 रुपीज का ले रहा है, 1000 से ज्यादा नहीं आएगा, तो 1000 के हिसाब से ही वो क्वांटिटी आपका उठाएगा, ठीक है। तो जिनका डाउट था कि सर आप फ्यूचर में करते हो, किसमें करते हो, ये देख लीजिए सर, मैं प्योर कैश में काम करता हूँ, ये सारे कैश के स्क्रिप्ट्स हैं, अदरवाइज यहाँ पे फ्यूचर लिखा आता था, ठीक है। और ये भी दूसरा प्रूफ ये है सर, ये क्वांटिटी अगर मैकडॉनल्ड्स का मैं फ्यूचर देखूंगा, आप चेक कर सकते हो क्वांटिटी कितना है, टोरेंट पावर का क्वांटिटी फ्यूचर कितना आता है, लेकिन ये पूरा का पूरा मेरा कैश में काम हुआ है। दूसरा सर स्टॉक सिलेक्शन, सर स्टॉक सिलेक्शन जो मेरी स्ट्रेटजी है, जिस कैलकुलेशंस के ऊपर मैं काम करता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। वो कैलकुलेशन सर प्योर प्राइस एक्शन, मैं कोई भी लैगिंग इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। नो RSI, नो MACD, नो मूविंग एवरेज, नो एनी इंडिकेटर, नो स्टोकास्टिक, नथिंग, प्योर प्राइस एक्शन। ये ओपन चैलेंज है, मैं अपना जो काम करता हूँ प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूँ। मेरा रोबो प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता है। और आपने जैसे कि सुना होगा शेयर मार्केट में भाव ही भगवान है, इसलिए मैं प्राइस एक्शन को बहुत सैल्यूट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, उसी पे काम करता हूँ। तो ओवरऑल आपके सामने मेरा नेट प्रॉफिट और M2M आप देख रहे हो यहाँ पे 11,627 रुपीज़ का नेट लॉस है सर मेरा, नेट लॉस आई एम टॉकिंग अबाउट। यस, बोल्डली मैंने मेंशन किया है अपने में इसमें कि आज पैसा बनाने का दिन नहीं था। Here is today our window. We don't lie. Today we are also in loss and all clients also. Only few are plus because they open late. क्योंकि आज उन्होंने open late किया था, तो इसलिए कुछ clients profit में हैं और most of the clients का loss में है। हाँ, एक और question, मेरे को बहुत सारी queries आ रही है कि sir किसी का 5,000 प्रॉफिट है, किसी का 5,000 नुकसान है, किसी का 10,000 प्रॉफिट है, ये कैसे हो सकता है? आपका सेटअप सबके लिए सेम है तो ऐसे कैसे? या तो आप पार्शलिटी कर रहे हो कि हमें गलत सेटअप दे रहे हो, दूसरे को सही सेटअप दे रहे हो। सर ऐसा नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। जो नंबर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन आपके में आएंगे वो भी उनके में आएंगे, पहला पॉइंट। रह गया क्वांटिटी, वो मैंने पहले ही बताया कि आपका जो रिस्क है उसके हिसाब से क्वांटिटी आएगा, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट प्लस माइनस, मैंने जो रूल्स बताए हैं आपको, जो रूल्स बुक लिख के दिए हैं रोबो के, कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या इस रोबो को इस टाइम पे चलाना है या इस टाइम पे नहीं चलाना है,
ठीक है, वो पहले ही मेंशन मैंने किया हुआ है आप लोगों को। तो सर ये कोई जादू की छड़ी नहीं दे रहा हूँ आपके कि मैं डेली प्रॉफिट आपको दूंगा, सॉरी। बार बार मैं अपने मेरे सारे वीडियो देखिए, कल मैंने 1,00,000 रुपये कमाया था इसी सिस्टम के थ्रू, 1,00,000 रुपये, जिसमें मेरा रिस्क, आज मेरा जो रिस्क है सर आप खुद देखिए, आपके सामने M2M मेरा दिख रहा है, खुद चेक कर लीजिए। मैक्सिमम लॉस 1,600 रुपीज़ का मेरा लॉस है सर इसमें, और किसी स्क्रिप्ट में 1,800 रुपीज़ का, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सारे स्क्रिप्ट मेरे 500 से 700 के बीच में ही एग्जिट हुए। तो रिस्क मेरा इसमें 507 है, और जो 1800 का या 1600 का, जैसे ये देखिए जो 1600 का लॉस, ठीक है, अब यहाँ पे 1690 का लॉस, 1859 का लॉस, सर आई एम पुटिंग 2-3 स्ट्रैटेजीज इन माय रोबो। तो हो सकता है एक स्ट्रैटेजी में ये बाई आया हो, स्टॉप लॉस हो गया हो, फिर सेकेंड स्ट्रैटेजी में मेरा ये काम करा हो तो उसमें भी लॉस हो, तो इसलिए वो बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ नहीं है, अगेन मैं आपको क्लियर कट बोलना चाहता हूँ, ये रोबो सबके लिए बराबर है, आपको सीखना है, समझना है कैसे काम करता है, तब जाके इसमें आप बढ़ा स्त्री काम करिए। आप सोचेंगे रातों रात में कोई जैकपॉट बना लो, मेरे पास मत आइए सर, मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ना मेरे पास कुछ है, मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो रिटेल कस्टमर से कमा नहीं पा रहे हैं, उनको बस एक छोटी सी चीज़ बनाने की कोशिश करिए, मेहनत करिए, दिन रात करें। मैंने अपने 4 महीने इस प्रोडक्ट को, इस रोबो को बनाने में दिया, जो कि मैं कम से कम 4 साल से मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने आपके सामने रोबो में कंप्लीट किया है, और कुछ नहीं है सर। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि मैं आपको लाखों लखपति बना दूँ, करोड़पति बना दूँ, सॉरी सर नहीं है। मेरे को छोटी सी एक्सपेक्टेशन अपने रोबो से, जो हर कोई बंदा मेहनत करता है, काम करता है, उसकी एक ही एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरा रोबो 10-15% 20% सारे खर्चे निकालने के बाद दे दे, आई एम वेरी हैप्पी पर मंथ। सिर्फ मेरा यही मोटो है सर इसको बनाने कि पूरे दिन मैं सिस्टम के सामने ना बैठूं, मशीन मेरा थोड़ा बहुत कर दे, जो थोड़ी बहुत मेरे को देखना है मैं अपना सामने सिस्टम के सामने देखूं, जहां अच्छा प्रॉफिट हो रहा है मैं निकल जाऊं, बस। जरूरी नहीं है पूरे दिन बैठना है। कल मेरे को आपने देखा होगा, कल सर 10 बजे तक यानी कि 45 मिनट में 1,00,000 रुपये मेरा बन गया था, मेरा सिस्टम बंद करा जयराम जी की। मैं क्यों बैठूँ सर, 1,00,000 रुपये बन गया मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा 3.5-4 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट उसमें यूज़ किया था। और आप उस पर प्लीज नोटिस करिए, अगेन बहुत सारे कस्टमर्स कल मेरे को फ़ोन किए, सर 1,00,000 रुपये कैसे आ गया, क्योंकि आपने क्वान्टिटी ज़्यादा मारी होगी सर। फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड, कल जिस स्क्रिप्ट में मेरा 78,000, कल वीडियो प्लीज चेक करिएगा, मैं स्क्रिप्ट का नाम नहीं बताऊंगा, कल खुद देखिए, जिस स्क्रिप्ट में मेरा सिंगल स्क्रिप्ट में 78,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आया था ना, वो सिंगल स्क्रिप्ट कितने रुपये चला है आप प्लीज चेक करिए। क्वांटिटी मेरे सारे में सेम है, उतने का ही रिस्क सब में मेरा सेम है, बट अब मैं क्या करूँ सर, अगर वो 80 रुपये 70 रुपये 50 रुपये एक स्क्रिप्ट मेरा चल रहा है मेरे एंट्री लेवल से, तो उसमें मेरी गलती है, तो बड़ा प्रॉफिट आ गया 78। तो लोग क्या कह रहे हैं, आपने उसको ज्यादा क्वांटिटी, अरे सर यूज योर कॉमन सेंस प्लीज, मेरे को प्रूव, अगेन आई डोंट वांट टू प्रूव माई सेल्फ और मेरा सिस्टम, सॉरी सर। कल मेरा अकेला सिंगल डे मेरे 10-10 हज़ार के जो आपके सामने दिख रहे हैं 10-11 हज़ार के लॉस, सर 10 दिन के बराबर है, अगर 10 दिन में 11-11 हज़ार के लॉस कर रहा हूँ, मेरा कल सिंगल डे में मैंने धज्जियाँ उड़ा दिया सबके लॉस की, अब प्रॉफिट में बैठ गया। तो जैसा मेरा कमिटमेंट है, मैंने आपको बोला सर 1 या 2 दिन भी इस तरह का जैकपॉट मिल गया जो मेरे को कल 1,00,000 रुपये का मिला है, मोर देन एनफ। तो सर ये चिल्लर है, 50-55 ट्रेड 60 ट्रेड में आपको ओनली 11,000 रुपीज़ का रिस्क सर, जो आप एक सिंगल स्क्रिप्ट में लॉस कर देते हो। एनीवे सर, थोड़ा सा आज अच्छा नहीं लगा, ग्रुप में लोगों ने चिट चैट करी, कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी सर, प्लीज आप चीज को समझिए, ऐसे नेगेटिव कमेंट मत करिए, इंसान की कितने सालों की मेहनत होती है वो चीज। एक ही रिक्वेस्ट है सर, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा मेरा प्रोडक्ट लो या ना लो, समझो, सीखो, जानो, अच्छा लगता है देखो, छोटे रिस्क में काम करो, फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करो तब काम करो। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आई एम नॉट गोना टू कॉल यू एनीवन, मैंने किसी को कॉल नहीं किया मेरा रोबो ले लो। अभी मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, सब सामने से आती है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता मेरा सर्विस लो। एक बार उसने क्वेरी की, बैंक डिटेल मांगते हैं देता हूं, उसका मैंने एक बार भी आपको कॉल किया कि सर ये पेमेंट क्यों नहीं कराई, मैं नहीं करूंगा सर, सॉरी। जिसको इंटरेस्टेड है, जो लगता है समझ में आता है, आप 10 बार सोचो,
लेकिन मेरा काम क्या है, डेली चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो दिखा रहा हूँ, जेन्युइनली दिखा रहा हूँ। और सब लोग आज शक कर रहे थे कि आज तो लॉस हुआ तो वो दिखाया नहीं है। सर कल भी मैंने वीडियो जो बनाया था ना 1,00,000 प्रॉफिट का, वो मैंने कल रात को 12 बजे के बाद डाला था। और आज भी एक्चुअली आज मैं बाहर था, ठीक है, मैं इंदौर से चेन्नई, इंदौर से हैदराबाद आज ही मॉर्निंग में पहुँचा हूँ 1 बजे, बट मेरा रोबो पीछे काम कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया रोबो सर्वर पे मेरा चलता है तो काम करता है, तो एक बार बजा तो मैं टाइम नहीं लग पाया, घर आते थे लेट हुआ, 1-2 बज गया सर, इसका थोड़ा सा चीज़ें थी अपनी पर्सन, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अदरवाइज आज का तो मैं बहुत जल्दी डालने वाला था लॉस वाला, क्योंकि आई डोंट केयर, मैं सिस्टम पे बिलीव करता हूँ, मेरे डेली प्रॉफिट नहीं बनने वाला, सॉरी। और सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लोग जो आज डिस्कस कर रहे थे, एक्यूरेसी लेवल। सर अगेन बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लीजिए, मेरे रोबो की एक्यूरेसी लेवल 30% भी अगर आई तो भी सर मेरे को छोटा मोटा मुनाफा ही होगा। तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए, जो आप लोग बोलते हो या एडवाइजरी वाले या टिप्स वाले आपको बोलता है सर मेरी एक्यूरेसी लेवल 90% है, 95% है। सर एक्यूरेसी लेवल नहीं होता है, मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, राइट, और रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1:3 का है और 30% की एक्यूरेसी लेवल है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 10 कॉल मैंने आपको दिए, सोचो 10 कॉल में मैंने ट्रेड लिया, 10 में से 7 कॉल में मेरा स्टॉप लॉस हो गया, 3 कॉल में मेरे को प्रॉफिट मिले, लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1:3। तो सर 7 में जो स्टॉप लॉस हुए, 1,000 रुपीज का भी रिस्क लिया मैंने पर स्क्रिप्ट, जिसको मैं बोलता हूँ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, 1,000 रुपीज पर स्क्रिप्ट मैंने जब लॉस रिस्क लिया है, तो 7 कॉल में कितने गए, 7,000 रुपीज नुकसान हुआ। और रिमेनिंग 3 कॉल्स में 1,000 रुपीज का जो मैंने ट्रेड लिया था, रिस्क लिया था, 1:3 के हिसाब से 3,000 रुपीज पर कॉल में आया है, तो 3 कॉल × 3,000 रुपीज कितना हो गया, 9,000। तो सर 9,000 नेट प्रॉफिट, 7,000 जो 7 कॉल्स में स्टॉप लॉस है अगर लेस कर दोगे तो भी 9,000 माइनस 7,000 इक्वल टू 2,000 रुपीज यू आर इन अ प्रॉफिट। समझो सर कैलकुलेशन, समझो रोबो को, समझो स्ट्रैटेजी को, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। टाइम पास करने मत आइए सर, ग्रुप एग्जिट कर दीजिए, मैंने जानबूझ के उसको एडमिन ओनली टाइप नहीं रखा है। मैं चाहता हूँ कि जो आप रियल कमा रहे हो या लॉस कर रहे हो, आप मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूँ, उस पर बात करो। अगर चिटचैट करना है मेरे को 2 मिनट नहीं लगेगा सर, मैं वहाँ पे टाइप एज एडमिन कर दूँगा, बात खत्म। लेकिन मैं जेन्युइन हूँ, सेमिनार दे रहा हूँ, अहमदाबाद आया था, 25 लोग आए थे, वहाँ पे भी मैंने लाइव कॉल दी थी आप लोगों को, याद है? अगर नहीं याद है मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ये देखिए सर, ये है मंडे को जो मैंने अहमदाबाद के सेमिनार में लाइव कॉल दिया था। ये है टाइमिंग, 12:05 पे मैंने बोल दिया था बाई बैंक निफ्टी 24,645 यानी 24,645 विद एसएल 580 का, और टारगेट क्या दिया था सर, 24,750 इंट्राडे का, राइट। और मैंने बोल्डली लिखा था टारगेट इज वेरी बिग। उसके बाद आज का मैं अगर आपको दिखा दूं बैंक निफ्टी का सर, ये देखिए सर, आज का हाई है, मैं आपको बढ़िया से तरीके से दिखा देता हूं, आज का जो हाई है, राइट सर, ये है आज का हाई, ऑलमोस्ट 25,449 यानी कि ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स अप फ्रॉम माय बाइंग लेवल, ठीक है। और मजे की बात, मैंने कॉल भी दिया था सर, बाई निफ्टी 10,600 का कॉल, 55 रुपए में बाई दिया था, टारगेट बोला था ओपन मंडे से आज थर्सडे, ओनली 4 दिन हुए सर, 4 दिन में आज खुद होमवर्क करिए, 10,600 कॉल बताइए कितने का है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा 10,600 कॉल कितने में, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो गया सर। ये देखिए सर, यहाँ पे मेरे को कुछ क्लाइंट्स ने कल ही यस्टरडे, ये देखिए यस्टरडे आ रहा है, कल ही कुछ क्लाइंट्स ने बोला था निफ्टी विल गिव मोर पैनिक मोर पेन इन कमिंग आवर्स,
और मैंने क्या बोला था, यस सर, नाउ व्हाट टू डू, एंजॉय और नॉट, मंडे अहमदाबाद सेमिनार में बोल्डली बोला था कि बाय करो, लेकिन लोग समझते नहीं है। ये देखिए सर, कल ही मैंने मारुति को बोला था बाय करने के लिए 6590 पे, और 7000 की कॉल बोली थी बाय करने के लिए 118 से 115 रुपए पे। आज आप खुद चल देख लीजिए, सिर्फ एक ही दिन में सर 150 पॉइंट मारुति में मिले हैं, ठीक है, और एक ही दिन में 118 का कम से कम यहाँ से 20 से 25 पॉइंट कॉल में गई है 118 वाली। और आज मेरे पास एक क्लाइंट का फोन आया था, उसने सिर्फ फ्री में ऐसे ही काम कर लिया था, उसने 1,00,000 के ऊपर कमाया सर मारुति मारुति में। किसी को उसका नंबर चाहिए मुझे बता देना, मैं उसको पर्सनली उसका नंबर दे दूंगा, आप उनको फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी किसी को शक है मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, वो आपको M2M पे भेज देंगे आपका कल मारुति का जो काम हुआ था। तो सर यहाँ पे अगेन टाइम पास करने मत आइए, ठीक है, थोड़ी मेहनत करिए, रिस्पेक्ट करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है सर चुपचाप वहाँ से एग्जिट हो जाइए, बात खत्म सर, ना आपको पेन रहेगा ना मेरे को पेन रहेगा, क्योंकि सर एक दिन लॉस हुआ है लगातार बैक टू बैक, इतने दिन दिखा रहा हूँ, एक दो दिन के लॉस में आप इतना पैनिक कर रहे हो, सॉरी कल 1,00,000 रुपए दिया किसी ने एक कमेंट नहीं करा, आई नो इट्स अ ह्यूमन नेचर, बट सर फिर भी ह्यूमन है, हम भी हर्ट होते हैं। एनीवे तो काम बोलता है और काम आपके सामने, ठीक है। चलिए एनीवे सर आज बहुत लंबा वीडियो बन गया है, बट कोई बात नहीं, कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ डाउट्स थे, वो मुझे क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। अगेन एट शॉर्ट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ सर कोई भी चीज़ में काम करने पहले समझिए, सीखिए, देखिए कैसे काम हो रहा है, क्या है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके तभी ट्रेड लीजिए। आप मेरे इस चीज़ को देख के आप ट्रेड ले रहे हो, मेरे उसमें 1 रुपये की भी लॉस की या गेन की कोई जिम्मेदारी नहीं, अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए, फिर काम करें सर। हैप्पी ट्रेडिंग एंड थैंक यू सो मच, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जिससे कि जो जेन्युइन लोग हैं वो लोग मुझसे जुड़ सके, मेरी बीच बीच जो मैं टिप्स देता हूँ आपको उसका फ़ायदा उठा सको। मैं बहुत लिमिटेड कॉल्स देता हूँ, लेकिन आपको सबको मेरी एक्यूरेसी लेवल पता है मेरे लिमिटेड कॉल्स की, 1-2 रुपए का चिल्लर टारगेट नहीं देता हूँ। अब देख लो सर, आपके सामने अभी दिखाया, सारे मेरे प्रूफ है। तो अगेन अच्छा काम करो, अच्छा खाओ, और कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के फिर कमेंट करो, और आपका अगर कुछ कमेंट आता है पॉजिटिव आता है ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उस पर 100% काम करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में भी आपको वीडियो कैसे लगे, मेरे ग्रुप को कैसा लगा आप प्लीज़ वहाँ पे मेंशन करिए, कोई डाउट है वहाँ पे मेंशन करिए। अगर मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं फ्री की टिप्स के लिए तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पिंग करिए, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूँगा। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, थैंक यू सो मच।